शीट नंबर प्रोजेक्टाइल की 14, शीट नंबर कौन सी है ये, हाँ 11 का 14th क्वेश्चन, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये देखो क्वेश्चन है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ट्रेजेक्ट्री का मतलब वाई और एक्स के बीच में रिलेशन, ऐसा वो फॉलो करेगी, ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। अब वो कह रहा है कि इस केस में मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल क्या होगी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। देखो वाई हाइट जो है वो चेंज होती जा रही है, पहले कम, ज्यादा ज्यादा, मैक्सिमम कम 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 कम, आपको वाई नहीं, वाई तो गिवन ही है, आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है क्या होगी, राइट क्लियर है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो सबसे पहली चीज, एंगल निकालना आसान है, आप इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख दें इसके नीचे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने जो की हुई है, कंपेयर करें एक्स का कोफिशियंट ए, एक्स का कोफिशियंट टैन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू ए, तो ए इज थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए, एक आंसर आ गया। लेकिन असली चीज इसमें क्या है, y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। अब मैक्सिमम पीक पे जाके स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो। या जब ने मैक्सिमम पॉइंट पर क्या होता है, स्लोप जीरो, तो y और x में अगर ये इक्वेशन गिवन है तो स्लोप क्या होगी, dy by dx। तो मैक्सिमा के लिए y को मैक्सिमम अगर करना है तो क्या करेंगे, dy by dx is equal to zero, y की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a और b कांस्टेंट है तो x की डिफरेंशिएशन 1 है और इसकी 2x है, सॉल्व करके x आ गया, x की इतनी वैल्यू पर y क्या होगा, मैक्सिमम। और उसने क्या पूछा, फाइंड मैक्सिमम वाई, तो जो भी ये एक्स की वैल्यू है उसको वापस से यहां पे पुट कर दें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई का। यहां यूज होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप कहेंगे कि यार हमें कैसे पता लगेगा अब कि ये भी कॉन्सेप्ट यूज करना है, अभी नहीं लगेगा, हो सकता है जब 3-4 दिन के बाद एक और नया क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमम मिनिमा, रियलाइज नहीं कर पाए कि फिर मैक्सिमम मिनिमा लगेगा, नहीं लगेगा, अभी नहीं पता लगेगा। लेकिन आफ्टर 2 to 3 months जब 10-15 बार ये बीच में आएगा, फिर आपको अपने आप क्लिक होगा ये मैक्सिमा मिनिमा यूज करना है। इतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा। तो आप प्लीज सिर्फ इस क्वेश्चन को समझें कैसे किया, 100 में से एक क्वेश्चन आएगा बीच में, तो जब आएगा तब की तब देखेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है इसमें, हाँ। तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले एक्स निकलेगा ना, क्या अब जैसे इसमें पूछा फाइंड मैक्सिमम हाइट, अब तुम पता नहीं कर पाए इसमें मैक्सिमम मिनिमा लगेगा, यार जब तुम रूटीन में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो मैक्सिमम हाइट आपको एचएम याद आएगी, अब एचएम याद आएगी तो तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम कहाँ याद आएगा। वैसे गिवन होता है मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड फोर्स मैक्सिमम, आने वाले टाइम में समझ में आएगा, चिंता ना करो आप, ठीक है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन के बाद ये हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम कर लिया था, ये क्लोज है, 11th शीट क्लोज है। शीट नंबर 12 में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, और जिसको जो देखो मेडिकल के लिए तो जो मैं करवाऊंगा मोर देन सफिशिएंट है जो मैं बता रहा हूँ, नॉन मेडिकल वाले देखना चाहें तो इसको आराम से देखें, मैं सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं। और अगर डाउट है तो प्लीज़ एक्स्ट्रा क्लास में ही, एक्स्ट्रा क्लास के बाहर ही पूछने पड़ेंगे, क्लास के बाद पूछें या 12:30 पूछें, क्लास के बाद पूछने कोई डाउट है पहले ट्राई करें अच्छे से। मेडिकल वाले जो मैं करवा रहा हूँ और नॉन मेडिकल कॉमन क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूँ, पर फिर भी कहीं क्यूरियोसिटी है कि क्योंकि इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हाई है तो वो लोग जो है वो इसको डाउट्स की फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो अभी इसके अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर जो मैं करवाना चाहता हूँ, देखो ये तो सिंपल है, ये इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आया हुआ, देखो सीधा फॉर्मूला मार्क करना आया हुआ है, बोला था ना इंक्लाइन प्लेन। अब जिसको इंक्लाइन प्लेन नहीं आता वो कैसे मार्क, पता ही लगा इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन, देखो जो फॉर्मूला नोट करवाए सीधा आया इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, ठीक तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को रीड करें, हाँ नहीं होगा मुझे मालूम है ये अभी,
क्वेश्चन के अंदर, पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, आप सोचेंगे ऐसा आता है ये करना पड़ेगा, नहीं ये नहीं करना पड़ेगा, ऐसा जाएगा तो हमें लगता है कोई करके नहीं आएगा, छोड़ो यार कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर क्यों करवाए जाते हैं? सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। प्रैक्टिकली अगर ये क्वेश्चन आया तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ आएगा, वो आपको कभी नहीं देगा कि वेलोसिटी 2 रूट जी एच है, वो आपको देगा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, एंगल 30 डिग्री है, हाइट इसमें 10 मीटर है, ऐसे देगा ताकि न्यूमेरिकली फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो। पर यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं, यहाँ से कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा मैं। वो ये कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंका गया, प्रोजेक्ट किया गया 2 रूट जी एच के साथ, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा सपोज। तो इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक होगा 2 अंडर रूट ऑफ जी एच कॉस थीटा और एक क्या होगा साइन थीटा। जो मैं इतना बड़ा लिखना नहीं चाहता था तो मैंने यूएक्स और यूआई लिख लिया। अब प्रोजेक्टाइल जाता है और दो दीवारें हैं एच और एच, एक दीवार को टच करता हुआ जाता है और फिर दूसरी दीवार को टच करता हुआ नीचे गिर जाता है। तो दीवारें ऐसी होंगी, एच को टच किया और एच को चला गया, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्टाइल के अंदर दो हाइट्स आती हैं, एक फर्स्ट हाफ में एक सेकेंड हाफ में, ताकि हाइट सिमेट्री होती है ना फिगर एच और एच ऐसे। तो डायग्राम क्लियर है आपको, ये बता रहे हैं कि जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आया तो उसको यहाँ पे पहली दीवार को क्रॉस करने में जो समय लगा यहां से यहां, वो लगा T1, और यहां से यहां क्रॉस करने में टाइम लगा T2। आपको बताना है कि ये क्रॉस करने में कितना समय लगा, बोलो क्या, T2 - T1। तो आपको बताना है टाइम इंटरवल ऑफ पासिंग बिटवीन टू वॉल्स, तो आपको निकालना है डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब T2 - T1। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? तो आपको इसमें डेल्टा टी निकालना है। तो लॉजिक में बता दिया, पहले क्या निकलेगा T1, फिर क्या निकलेगा T2, फिर दोनों को माइनस करें स्टार्ट, ठीक है। और दो दीवारों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है कितना, 2h, तो 2h गिवन है, कोई डाउट इसमें? अब इसके अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है वो 2h है। हॉरिजॉन्टल का मतलब x एक्सिस, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में समय कितना लगा, डेल्टा टी, डेल्टा टी। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ux, तो अप्लाई करो s = vt, तो 2h = ux * Δt। क्लियर है यहां तक? क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2h है और वेलोसिटी कितनी है ux है और टाइम कितना है डेल्टा टी है, तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई, ux की, राइट। अब हमने ये, हमें ये हाइट h गिवन है वर्टिकल में, तो मान लो यहां से यहां आने में टाइम t लगा, तो y एक्सिस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है uy, तो y एक्सिस में क्या इक्वेशन अप्लाई की, s = ut + ½at² में s की जगह h, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी uy (t + ½ - g)², टाइम में क्वाड्रेटिक बनी, करनी नहीं है सिर्फ समझना है, कोई टेंशन ना लो। क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो दो टाइम की वैल्यू आई, मुझे बताओ कि दो टाइम कैसे पॉसिबल है, हाइट तो एक है h, क्योंकि यहां पर हाइट दो है, पहली दीवार का टाइम अलग है और दूसरी दीवार का टाइम अलग है, तो दो टाइम्स आएंगे, क्योंकि चाहे आप इक्वेशन पहली दीवार के लिए लगाएं तो भी सेम बनेगी, दूसरी के लिए लगाएं तो भी सेम बनेगी, हमें क्या पता किसके लिए लग रही है। तो टाइम आपको बताएगा, जो छोटा टाइम है वो पहली दीवार का क्रॉस करने का टाइम है, और जो बड़ा टाइम आएगा क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद वो दूसरी दीवार को क्रॉस करने का टाइम है। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होगा, T2 - T1, इसे माइनस कर लें, माइनस कर लिया तो डेल्टा टी आ गया, इसको माइनस करके स्क्वेयरिंग करके सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ गई, और इस क्वेश्चन में आपको डेल्टा टी थोड़ा सिंप्लीफाई करके निकालना है, हालांकि मेरा डेल्टा टी काफी बढ़ाया हुआ है, तो इसे जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे यू वाई वाली टर्म को यहां लेके आएंगे, तो नेट वेलोसिटी जब फेंका गया था वो ये थी, नेट वेलोसिटी याद है, नेट वेलोसिटी वी थी, और वी क्या है, वेक्टर सम ऑफ वी एक्स एंड वी वाई, यानी कि वी एक्स यूएक्स स्क्वायर और यूवाई स्क्वायर। अब ux हम फर्स्ट पार्ट से निकाल चुके हैं, उसको उठा के यहां पुट करेंगे, ui की वैल्यू हम यहां पर निकाल चुके हैं, यहां स्क्वेयरिंग करके यहां पुट कर लेंगे, और टोटल वेलोसिटी आपको गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके डेल्टा टी आएगा, नहीं करना कोई स्ट्रेस ना ले, नहीं आएगा, नहीं आएगा आपको, अगर करना है स्ट्रेट अवे पहले तो फॉर्मूला नोट कर लें, 2 √hg, नोटबुक में नोट कर लें, अपने फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लें, कि अगर आज की बात ये क्वेश्चन आएगा तो शॉर्टकट ही मारेंगे यार, कौन पेपर में सॉल्व करेगा, आपको 10 मीटर की हाइट गिवन होगी मान लो दो दीवारों की, कुछ करना ही नहीं है, अगर 10 मीटर गिवन है सीधा फॉर्मूला नोट करो, 2 √10/10, आंसर आ गया 2 सेकंड, डन, बस और कोई तरीका ही नहीं है, करने बैठ जाओगे।
यही तो देखो, जिसको अब देखो कोई स्टूडेंट है वो कहता है छोड़ो यार इतना बड़ा कौन देखेगा, और पेपर में आ जाए, और दूसरा स्टूडेंट थोड़ा ठीक है उसने हिम्मत की समझ लिया कर तो वो भी नहीं पाएगा, फॉर्मूला याद है उससे, राइट? का चांस थोड़ा कम है। चलो मैं ये क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, फोर्थ क्वेश्चन, सीट का लेवल देखो थोड़ा सा ऊपर है नॉर्मल से, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा आपको ऊपर नजर आएगा, बट इट्स ओके, जो है तो है। क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, ये रहा इनिशियल स्पीड v एट एन एंगल ऑफ थीटा, और ये यहाँ से यहाँ गिरा, मैक्सिमम हाइट hm और आधी रेंज क्या r by 2। वो कह रहा है जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये डॉट 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 डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होगी अंडर रूट ऑफ hm स्क्वायर प्लस r by 2 का होल स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट है। अब उसने क्या पूछा, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब यहां से यहां आने में टाइम क्या लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाल दी, एसेंट का फॉर्मूला वी साइन थीटा बाय जी, एरा एच एम की वैल्यू पुट करो, रेंज की वैल्यू पुट करो, इसको लिखो टू साइन थीटा कॉस थीटा, मेरा काम खत्म, फिजिक्स का मैथ का काम शुरू, अपना अपना मैथ सबका सिंप्लीफाई करो और मैच करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। राइट, ट्राई करना है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं, फेमस क्वेश्चन है, प्रूफ बहुत लंबा है मेरे पास पड़ा हुआ प्रूफ, मैंने किया भी हुआ है, फायदा नहीं होता उसको करके, लेकिन ऐसी बस पजल मजे की प्रॉब्लम है, मजा आ गया बस, इसलिए अदरवाइज आता नहीं। क्वेश्चन सीधा आएगा, बहुत दूर एक किसी ने एक ट्री है, एक पेड़ है, सामने मंकी है, वो ट्यूब के ऊपर मान लो मंकी है पेड़ पे बैठा है, और किसी ने गन उसके ऊपर टिका दी बिल्कुल उसकी सीट में, हाथ नहीं हिलाएगा वो बिल्कुल मशीन के साथ, और सपोज जैसी गोली चली मंकी ने उसी टाइम ट्री से जंप कर दिया, इकट्ठे इधर से आवाज और उधर से मंकी नीचे, बुलेट मंकी को लगेगी कि नहीं लगेगी? अच्छा, अब बहुत लोग ऐसे प्रैक्टिकली सोचते हैं, यार हम तो मेलों में बहुत गए हैं, हमने भी बहुत सारे गोलियां चलाई हैं उस पर, हमारी तो आज तक लगी नहीं, आपके हाथ हिलते हैं तो बेसिकली आंसर लगेगी। अब हो गया जरूरी थोड़ा लगी, लगेगी तो लगेगी, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल निकलेगा तो अंडर ग्रेविटी आ जाएगा, अंडर ग्रेविटी में क्या होगा, वो ऊपर जाके हाइट जो है वो नीचे अटेन करेगा, और उधर से मंकी भी हाइट अटेन कर रहा है, गोली लगेगी। आप देखना चाहते हो, मैथमेटिकल प्रूफ है, आप अगर और देखना चाहते हो यूट्यूब पे मंकी प्रॉब्लम टाइप कर देना, आपको बहुत अंग्रेज दिखेंगे, वो प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको, अंग्रेज तो बेल नहीं, आपको पता तो है, वो साथ में वो टेडी बियर रखेंगे बहुत दूर और गोली चला के दिखाएंगे, और सच में गोली लगा के भी दिखाएंगे, मैंने देखी है वीडियो ऐसी, मैं भी सोचता था कि शायद नहीं लगेगी, मतलब मैथमेटिकली तो चलो लगेगी आइडियल कंडीशन में, मैंने तो लोगों को मैं देखा उस पे, सच में लोगों ने गोली चलाई और उसमें लगी, तो टेडी बियर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो ऐसा बहुत आपको दिखेंगे लोग एक्सपेरिमेंट करते, पर जब ऑब्जेक्टिव आएगा, हम प्रैक्टिकल बात कर, ऑब्जेक्टिव आएगा तो लगेगी प्लीज गोली, इमोशनल नहीं होना, लगेगी, ठीक, आंसर यस बोलना है, ठीक है, बता रहा हूँ कि क्योंकि पेपर में आ गया तो यार फिर कैसे होगा, दिक्कत होगी, तो लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, प्रूफ की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट
ये टाइप की प्रॉब्लम है ना, देखने में लगती है कि पता नहीं कितने खतरनाक है, एक लाइन में सॉल्व होती है। वो कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया विद द वेलोसिटी ऑफ v1, उसके दो कंपोनेंट है v1 cos v1 sin sin में आ रहा है, तो ये इधर जाएगी। अब ये प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करने वाली है ना, देखो वो तो ऐसे करेगी, कुछ ऐसे करेगी ऐसे। तो कह रहा है कि जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी प्रोजेक्टाइल, ठीक उसके नीचे एक और बुलेट किसने चला दिया, v2, मतलब उसको पता था कि ये मैक्सिमम हाइट यहां अटेन करेगी, उसके नीचे आके खड़ा हो गया। तो जैसी ये बुलेट चली, ऐसी इससे बुलेट चला दी इकट्ठे और टक्कर हो गई। तो अगर इनकी टक्कर हो गई तो v1 v2 की रेशियो बताओ क्या होगी। देखो इसमें आपने y एक्सिस में सोचना है, y एक्सिस में इसने कहां जाना है, ऊपर। इसकी वेलोसिटी ऊपर जाने की इनिशियल क्या है, v2, इनिशियल वेलोसिटी v2 है, इनिशियल चलते ही v2 है। हाँ, टॉप ऑफ पॉइंट पर जाते आते चाहे जीरो हो जाए बात अलग है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल की, v1 sin 60 30। तो अगर दो चीजों को अगर आपने मिलाना है ऐसे, x एक्सिस को छोड़ दो क्योंकि वो x एक्सिस आगे लेके जा रही है, अगर आप चाहते हो दोनों मिले तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक की भी स्लो होगी एक की फास्ट होगी तो एक आगे निकल जाएगा एक मिसमैच हो जाएगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी इसकी कितनी है v2, इसकी कितनी है v1 sin 30, दोनों को इक्वेट करके आंसर डन, कुछ करना ही नहीं है क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि ग्रेविटी जाना है दोनों ने, तभी तो हाइट इक्वल अटेन करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी को क्या होना है, जीरो, तो पहली को भी और दूसरी को भी, तो इसे इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी सेम, तभी मिलेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम कर दो आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम है जैसे फुटबॉल वाले किक किया और प्लेयर ने कैच कर लिया, तो उनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मस्ट बी सेम। तो कैच करने की प्रॉब्लम, टक्कर मारने की प्रॉब्लम सेम, अगर हवा में टक्कर हो रही है वर्टिकल वेलोसिटी सेम कर दो, अगर हॉरिजॉन्टल में कोई बॉल को कैच कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को सेम कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आप एक्स्ट्रा टाइम में पूछना अगर आपको डाउट है इसमें। आपको जो अभी करना है, हाँ ये कर सकते हो, 9th projectile is fired at an angle of 30 degree with a velocity of vertical component of the velocity 80, okay. So total velocity मुझे पता नहीं, v है, ये 30 है, हाँ vertical पता है कितनी 80, तो अगर ये v है ये 30 है तो vertical क्या बनी, v sin 30 is equal to 80, यहां से v आ गया 160, तो total velocity यानी कि कितनी है 160। पहला step clear है। इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी, समझ में आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट टी है। इट्स वेलोसिटी एट टाइम टी बाय 4 सेकंड क्या होगी, तो पहली बात वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट कर ली। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर कैलकुलेट करें पूरी जर्नी का तो 2v sin थीटा बाय जी कैलकुलेट करके 16 सेकंड आएगा, लेकिन उसने हमने हमसे पूछा कि वेलोसिटी कब टी बाय फोर का मतलब 16 बाय 4 कितना हुआ, 4 सेकंड। तो क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका 160 के साथ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30, तो 4 सेकंड पे बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी बताना है, नया क्वेश्चन बन गया। तो 4 सेकंड पे वेलोसिटी वी बन गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 80√3, हर वक्त क्या रहेगा तो यहां पर 80√3। वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं वाई एक्सिस में, y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसमें
80 हो गई है, 160 है। इनिशियल लॉस थी यहां पर क्या होगी 80, फाइनल क्या है वी वाई, कितने टाइम में 4 सेकंड। तो वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस 80 से वी वाई आ गया। अब इस इंस्टेंट पर वी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे करना है, ठीक क्लियर है? ये ट्राई करने हैं आपने, ये सब हिंट दे रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, तो गूगल ड्राइव पे है क्वेश्चन, खुद ट्राई करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अनसॉल्व ट्राई करने हैं। नोट्स मेरे से ले लो प्रिंट आउट, क्या ऐसे लिख के फायदा नहीं होगा, खुद ट्राई करके फायदा होगा, ठीक। ये एक क्वेश्चन 11th देखना प्लीज, क्वेश्चन में ये गिवन है, बॉडी जिसका मास कितना है 1 केजी प्रोजेक्टेड विथ 50 एंगल ऑफ 30 एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ 10 न्यूटन फोर्स एक्ट करती है फॉर 5 सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड बिसाइड ग्रेविटेशनल फोर्स हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। अब हुआ क्या, एक प्रोजेक्टाइल चला, एक प्रोजेक्टाइल वी वेलोसिटी से चला, तो एक्चुअल में तो डायग्राम ये बनना चाहिए था ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पे नीचे ऊपर नीचे, पर क्या हुआ जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर ये बॉडी पहुंची तो किसी ने ना फोर्स लगानी शुरू कर दी, हवा ने फोर्स लगानी शुरू कर दी, कितनी देर के लिए 5 सेकंड, तो ये नीचे नहीं गिर पाया, या किसी ने ऊपर फोर्स लगानी शुरू कर दी, ऐसे बोल लो कि अदरवाइज प्रोजेक्टाइल तो ग्रेविटी के चक्कर में नीचे आ जाता, पर किसी ने वो पता नहीं कैसे ऊपर फोर्स लगाई टॉप मोस्ट पॉइंट पर 5 सेकंड के लिए, बॉडी नीचे नहीं गिर पाई, तो बॉडी कैसे जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट, फिर लगानी बंद कर दी अब वो नीचे गिर जाएगी। तो आपका ये पोर्शन फ्लैट बनेगा, जब तक वो फोर्स अपवर्ड लग रही है टॉप मोस्ट पॉइंट पर बॉडी नीचे नहीं गिर पाएगी तो कैसे जाएगी स्ट्रेट जाएगी। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये ना लगती फोर्स तो डायग्राम तो ऐसा ही था ना, तो रेंज क्या होती यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज थी, पर अब जो रेंज आएगी वो थोड़ी सी ज्यादा आएगी, कितनी ज्यादा आएगी इतनी ज्यादा आएगी। ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, ये डिस्टेंस कैलकुलेट होगा x एक्सिस का डिस्टेंस इज s इज इक्वल टू vt, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है सेम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल लेना, बॉडी की वेलोसिटी पता है 100 ये 50 है और ये 30 है, तो v cos 30 ये 50 आएगा, 150 नहीं ये ऐसे आएगा, तो 50 इंटू क्या आएगा यहां पर cos ऑफ 30 इंटू टाइम 5, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपको ऐड करना पड़ेगा आंसर आएगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है यहां पर, ये लॉजिक क्या लगेगा इसमें, ठीक।